थाना सोनकपुर इलाके में पिछले दिनों एक युवती द्वारा किए गए सुसाइड का आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतका की भाभी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुरादाबाद के थाना सोनकपुर क्षेत्र में विगत 2 दिसंबर को युवती द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। मृतका युवती ने वसीम नाम के आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस घटना से जुड़ी ऑडियो वायरल होने के बाद ही युवती ने सुसाइड की घटना को अंजाम दिया। आज SP देहात संदीप कुमार मीणा ने इस घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी वसीम, मृतका की भाभी अंजुम सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कर दिया है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूरा मामला। सोनकपुर थाने में 4 तारीख को एक तहरीर मिली जिसमें वादी थे इरशाद, जो मृतका के भाई थे। उन्होंने तहरीर में बताया कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है और फांसी की वजह उन्होंने बताई कि वसीम नाम के लड़के ने उनके साथ रेप किया और उस रेप की के करने के बाद उसने अपने दोस्त से एक बात की और उसकी ऑडियो वायरल की, जिससे शर्मिंदगी की वजह से उसकी बहन ने फांसी लगा ली है। तब पूरे मामले की हमने तफ्तीश की मुकदमा दर्ज करने के बाद, और जो अभियुक्त थे दोनों वसीम और फहीम, उनकी बरामद के लिए हमने जो टीम बनाई, उसके उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हमने उनसे पूछताछ की तो सारी चीज़ें सामने आई। उस चीज़ में मुख्य रूप से चीज़ सामने आई, जो मृतका थी उसकी भाभी थी अंजुम। अंजुम का चाल चलन ठीक नहीं था, जिस तरह से बाकी लोगों ने बताया और गांव में हमने पूछताछ की, तो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसकी वजह से उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसकी नंद द्वारा उसको ताने मारे जाते थे, जिससे वो परेशान थी। तो वो कोई मौका देखना चाह रही थी अपनी ननद के खिलाफ, कोई ऐसा मौका मिले ताकि वो उसको प्रेशर बना सके अपनी ननद पर। तो उसको एक सूचना मिली फहीम के द्वारा कि भाई तुम्हारी जो ननद है उसके वसीम के साथ संबंध है, वसीम ने उसके साथ संबंध बनाया। तो उसने कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगी जब तक कि आप मेरे को सुना नहीं दो उस बात को। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया फहीम ने वसीम को, जो वसीम ने जिसके ऊपर रेप का आरोप है, और उस पर वो कॉन्फ्रेंस पे अंजुम रही लेकिन वो साइलेंट रही। और उसने उस पूरी बातचीत को, जिसमें वसीम कबूल कर रहा है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके इस तरह के संबंध बनाए, तो उसने पूरा वो रिकॉर्ड कर लिया अंजुम ने। अंजुम ने वो रिकॉर्डिंग अपने देवर, जो परिवार में देवर लगता है जहीर, उसको वो रिकॉर्डिंग उसने भेज दी। रिकॉर्डिंग के बाद उसके जो देवर है जहीर ने उसके पति को बताया, जो पति है इरशाद अंजुम के, जो लड़की का भाई भी है, तो उसको बताया। तो उस जब वो ऑडियो वहाँ पहुँची तो वो घर पे आया, और घर पे आने के बाद उसने इस बात की सारी चर्चा की कि भाई इस तरह, वो अपनी बहन से पूछताछ की, तो बहन शर्मिंदगी की वजह से उसने इस तरह का स्टेप उठाया। तो इसमें मेन अभियुक्त तो वसीम है, जिसपे 376 दर्ज किया गया। बाकी जो लोग, अंजुम है जो उसकी भाभी है, फहीम जिसने इस पूरी बातचीत को उससे वसीम से की, और ये सारी जो घटनाक्रम था अंजुम ने वसीम के साथ, फहीम के साथ मिलकर किया, और बाद में इस रिकॉर्डिंग को जहीर को भेजा। तो इस घटना में पूरा एक जो इस तरह का जो मतलब एक गठबंधन बना इन लोगों का, तो उसमें 120 के तहत इनके ऊपर और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।